सॉरी टैंक वगैरह है। जैन दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, मैं लोग स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लोकेश रेलवे ब्लॉग में। फर्स्ट स्वागत है आपके एक और नई ट्रेन जर्नी में जो कि अपने होने वाली है बीकानेर अमृतसर एक्सप्रेस में। चलो गाइस आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं प्लीज एक लाइक कर दें, साथ ही हमारे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर साथ बेल आइकन दबाएं ऐसी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। चलो गाइस आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज की जाने जो कि अपने होने वाले ट्रेन नंबर 14719 जो कि होने वाली है बीकानेर अमृतसर एक्सप्रेस में। तो ऐसे वीक में एक दिन चलते जो कि चलती है बीकानेर से गुरुवार को। बात करें इसका टाइम, इसका टाइमिंग है जो कि अपने बीकानेर से दोपहर के 3 बजे रवाना होती है जो कि दूसरे दिन सुबह 7:15 पर अमृतसर छोड़ती है। ये गाड़ी जो कि लगभग डिस्टेंस कवर करती है 763 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है अपने 16:15 में। तो बस आज की जाने जो कि अपने होने वाली ट्रेन से जो कि होने वाली है बीकानेर से सूरतगढ़ के बीच में। तो इस गाड़ी से लगभग जो कि अपना डिस्टेंस कवर करेंगे 180 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे 3:20 में। चलो गाइस और भी इसके बारे में आपको बता दूं, वैसे बीकानेर से डीजल लोकोमोटिव के साथ चलती है जो कि अपने यहाँ WD-P4D जो कि अपने हैं भगत कोटी का। तो गाइस आज के प्लेटफॉर्म 4 पर हमारी गाड़ी लगी पड़ी है पीछे देख सकते हैं। तो गाइस आज की जाने जो कि अपने होने वाली ट्रेन में जो कि अपने होने वाली है स्लीपर क्लास में कोच होने वाला है S3। चलो फिर मैं आपको अंदर से इसका इंटीरियर दिखा देते हैं फिर आपको और भी इसके बारे में बताऊँ। आज का कोच अपना S3, चलो अंदर से चलते हैं, अंदर से इसका इंटीरियर दिखा देते हैं। चलो गाइस कोच के अंदर चलते हैं, आपको अंदर से इंटीरियर दिखा देते हैं। भाई जैसे एंट्री करते थे हमने आपको जो मिनट लगा दिया था एकदम क्लीन है तो ठीक ठाक के साथ है और देखते हैं पानी इधर उधर जो कि अपने आ रही है इसमें। चलो अंदर से देते हैं आज की जो कि अपना सीट होने वाला है कौन सा आपको बता दें। तो भाई एंट्री करते थे हमने आपको देख सकते हैं मिनट लगा दिया एकदम ठीक ठाक है, मतलब क्लीन है। पास ही आपको चार्जिंग सुविधा मिल जाती है 2 के लिए और सामने देखेंगे साइड लोगों की और राइट ऊपर की तरफ तो जिसमें दोनों के लिए सीट की व्यवस्था दे रखी है, चार्जिंग वगैरह की सुविधा दे रखी है। तो भाई सबकी सीट होने वाली जो कि होने वाली है 15 नंबर साइड ओवर। चलो चलते हैं और भी आपको इसके बारे में बता दें। भाई ऑडी गाड़ी ने तो हॉर्न मार दिया अपने, ऑन टाइम डिपार्चर हो चुका है फ्लोर 4 से। गाड़ी संख्या 1926। तो गाइस अपने ऑन टाइम पहुंच चुके हैं अपना पहला हॉल जो कि लालगढ़ पर, इसका स्टेशन कोड है LGH। नंबर बात करें नंबर पर इस पे 3 है जो कि अपने आता है नॉर्थ वेस्ट रेलवे बीकानेर डिवीजन है। बात करें लालगढ़ तो यहाँ पर 24 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं, 10 ट्रेन यहाँ से बन के चलती है और 10 ही ट्रेन यहाँ पर आके रुकती हैं।
बात करें लालगढ़ जो कि एक लाइन यहाँ से चली जाती है अपनी, एक लाइन यहाँ से अपने चली जाती है लालगढ़ फलौदी की तरफ, एक लाइन यहाँ से चला जाती है लालगढ़ बठिंडा की तरफ, और एक लाइन यहाँ से चला जाती है अपने लालगढ़ बीकानेर की तरफ। बात करें लालगढ़ जो कि एक अपने सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन में से एक ट्रेन जो कि यहाँ से चलती है अपनी चलती है, जो कि अवध असम एक्सप्रेस जो कि चलती है लालगढ़ से डिब्रूगढ़ के बीच में, जो कि यहाँ से डेली चलती है। तो लोग आज चतुर्थ में यहाँ से अपना डिवाइजर होता है डिवाइजर का ट्रेन और दिखाते हैं। तो भाई प्लेटफॉर्म 3 पर आ चुकी है जम्मू तवी बगेतीकोटी एक्सप्रेस, अपना डिपार्चर हो चुका है ऑन टाइम 2 मिनट के होल्ड के साथ प्लेटफॉर्म 1C। तो यहाँ पर सॉरी 10 ट्रेन नहीं 4 ट्रेन यहाँ से बन के चलती हैं। इधर वाली लाइन चली जाती है अपने फलौदी जैसलमेर की तरफ, अजीत लाइन की तरफ हम बढ़ चुके हैं जो कि अपने निकल जाती है बठिंडा हनुमानगढ़ की तरफ। खड़ी है अपने अवध असम एक्सप्रेस जो कि डेली लालगढ़ से डिब्रूगढ़ के बीच में चलती है। पिक कर रहे हैं बठिंडा लालगढ़ पैसेंजर को, हाँ।
और करने के बाद अपने टाइम से आधा घंटा डिले पहुंच चुके हैं अपना दूसरा हो जो कि लुणकेश्वर पर, जिसका स्टेशन कोड है LKS। नंबर बात करें नंबर पर इस पर 3 है जो कि अपना था नॉर्थ वेस्ट रेलवे बीकानेर। तो लुणकेश्वर तो यहाँ पर 22 यहाँ पर होल्ड करती हैं। रश का टाइमिंग था यहाँ पर जो कि था अपने 4:11 का, लेकिन अपने टाइम से जो डिले चल रही है आधा घंटा, तो यहाँ पर आई है 4:41 पर। तो भाई 2 मिनट का होल्ड देखा जाता है, कुछ समय अपना डिपाइजर होता है, आपको डिपाइजर का कुछ करते हैं और दिखाते हैं। 2 मिनट के होल्ड के साथ डिपाइजर हो चुका है। प्लेटफॉर्म 1 से लोन करण सर, बस अपने टाइम से आधा घंटा डिलेट पहुंच चुके हैं अपना तीसरा होल जो कि महाजन पर, जिसका स्टेशन कोड है MHG। नंबर बात करें नंबर पर इस पर 2 है जो कि अपना आता है नॉर्थ वेस्ट रेलवे बीकानेर। महाजन तो यहां पर 18 टाइम यहां पर होल्ड करती है। तो वैसे अपने टाइम से डिलेट चलिए, देखते हैं हमको सूरत के कितने बजे पहुँचाती है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो वैसे कुछ यहाँ से अपना डिपार्चर होता है वो कैप्चर करते हैं और दिखाते हैं। 2 मिनट के होल्ड के साथ डिपार्चर हो चुका है प्लेटफॉर्म 1 से। भाई देख सकते हैं कितनी जारी की है, टिकट वगैरह है तो अपने सॉरी टैंक वगैरह है। बाथरूम कंडीशन सामने देख सकते हैं, मैंने लगा एकदम क्लीन है। बाहर से देख सकते हैं पानी की सुविधा जितनी आ रहे हो, नीचे से भी कंडीशन एकदम अच्छी है। चलो फ्रेंड आपको बाहर से दिखा देता है इसकी कंडीशन कैसी है। और सामने जैसे मैंने लगा एकदम क्लीन तो नहीं है, मैं ठीक ठाक है। पास ही देख सकते हैं पानी की सुविधा जो कि आ रहे, तो बाहर से भी कंडीशन एकदम अच्छी है। चलो और ही देखते हैं। कर रहे हैं जयपुर सूरतगढ़ पैसेंजर को।
के रास्ते बीकानेर जंक्शन से आने वाली लुधियाना किलोमीटर का डिशन कवर करने के बाद अपने टाइम से 20 मिनट डीलेट पहुंच चुके हैं अपना चौथा होल जो कि सूरतगढ़ पर इसका स्टेशन कोड है SOG नंबर पर 3 नंबर पर इस पर 4 है जो कि अपना आता है नॉर्थ वेस्ट रेलवे बीकानेर डिवीजन। बात करें सूरतगढ़ तो यहां पर 30 ट्रेन यहां पर होल्ड करती हैं, 10 ट्रेन यहाँ से बन के चलती है और 10 ही ट्रेन यहाँ पर आके रुकती हैं। तो गाइस बात करें सूरत तो यहाँ से एक लाइन चली जाती है अपने सूरतगढ़ हनुमानगढ़ की तरफ, एक लाइन यहाँ से चलाती है सूरतगढ़ श्री गंगानगर की तरफ और एक लिया यहाँ से चलाती है सूरतगढ़ बीकानेर की तरफ। तो भाई आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में आए घंटी दबाएं इस वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो भाई जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए।